आज हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है ये सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.54, ठीक। अब इसको परिमेय संख्या यानी कि पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, तो इसे हम हल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे 0.54 दिया है ना, तो इसे लिख लेंगे। यहाँ पे जो दिया है पॉइंट के जगह पर हम 1 लिखते हैं, और इसके बाद जो जितना अंक होता है उतना 0 लिख देते हैं, ठीक। तो इतना हो गया, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 54/100, ठीक। अब इसे काट लेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 7 14, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 27/50, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है 0.750, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे, 0.750। अब दशमलव के स्थान पे क्या लिखना है, 1, और इसके बाद जितनी संख्या रहेगी उतना 0 लिख देना है, ठीक। अब ये क्या हो गया, 750/1000। अब क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो ये क्या हो गया, 3/4 आंसर, जो कि एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, दिया है ऐसे 0.003352, ठीक। बटे में क्या लिखेंगे, पॉइंट के जगह 1 लिखना है, फिर जितनी संख्याएं रहेगी उतना 0 0 0 लिख देना है, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक। तो 3/52/1, 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख, ठीक। अब हम इसे कट करेंगे, देखिए ये संख्याएं किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 8 चौका 32, 3 बचा 8 चौका 32, ठीक। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 0 कटेगा, 11 चौक 44, 4 तेईं 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके आगे अब नहीं कटेगा, ठीक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ नंबर का। अब ये 0.8888, ये रिपीट हो रहा है अंक, तो इसे हम या ऐसे लिख सकते हैं बार के टाइप में, या फिर ऐसे, दोनों एक ही हैं, ठीक। तो अब हम इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना यक्स बराबर 0.88888, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा कोई अंत नहीं है, ठीक। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको दशमलव के इस पार लाना है, ठीक। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10x=8.8888, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, 10x इक्वल
8.8888, ये समीकरण दो हो गया। और समीकरण वन क्या है, x बराबर 0.8888, ये समीकरण वन हो गया। दोनों को घटाएंगे, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। 10x में से x घटेगा, 9x हो गया इक्वल, ये जीरो हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा 8। तो x के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 8/9, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि p बटा q के रूप में है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, ये जो रिपीटेड वाला है ना क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, अभी इससे पहले हम बताए हैं ना जो रिपीट हो रहा था, ये बार बार आ जा रहा है, 1 2 3 1 2 3, आगे अब जितना चाहे उतना लिख सकते हो। ठीक, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले x के बराबर में मानना है, x बराबर इतना मानेंगे। ठीक, सो फ्रेंड अब हम इसके आगे क्या करना है, आपको रूल पता है, इसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है उतने का गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में किससे हम गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक, अब देखिए गुणा करेंगे तो इसको समीकरण वन नाम देना है। ठीक, अब गुणा करने के बाद क्या होगा, 1000 एक्स बराबर में 10, या 1000 का गुणा करेंगे तो ये तीन अंक इधर आ जाएगा। ठीक, 1 2 3, दशमलव में 1 2 3, 1 2 3, अब जितना चाहें लिख सकते हैं। ठीक, इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। अब आगे हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को घटाना है ना, समीकरण वन और टू को, टू में से वन को घटा देंगे। ठीक, समीकरण टू माइनस वन से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1000 एक्स बराबर 10 1 2 3, दशमलव 1 2 3, 1 2 3, डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण टू हो गया। अब समीकरण वन को लिखेंगे, x इक्वल 10.123, 1 2 3, डॉट डॉट डॉट, समीकरण ये वन हो गया। ठीक, अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ना, तो 1000 एक्स में से एक्स घटेगा। सो दोस्तों अब हम इसे घटाना है, तो 1000 एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या होगा, 999 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए ये टोटल जीरो हो जाएगा, और तीन उतर जाएगा, दो में एक घटाएंगे तो एक आएगा, 101। ठीक, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 11 3/999। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, सो फ्रेंड हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया है 0.125125125, यानी कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक, सो फ्रेंड इसे अब हम हल करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले x के बराबर में मान लेते हैं। ठीक, 0.125125125, इससे आगे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, इसे समीकरण वन नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनका
यहाँ दशमलव की जगह वन लिख के, ये तीन संख्या है तो तीन को जीरो रख देंगे, इतना से गुणा करना होगा दोनों पक्षों में, ठीक। गुणा करने पर ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है ना, तो हम बस इतने का ही गुणा इतने को ही जीरो मानेंगे, ठीक। ये तो बार बार रिपीट हो रही है, तो गुणा करने के बाद देख लेते हैं हम। 1000x बराबर दशमलव में अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 5, दशमलव 1 2 5, 1 2 5, ये देख सकते हो आप, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक। 2 माइनस 1 से, तो आप देख सकते हैं 1000x बराबर 1 2 5, दशमलव 1 2 5, 1 2 5, डॉट डॉट डॉट। अब समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0 दशमलव 1 2 5, 1 2 5, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह आपस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 999x बराबर 1 2 5 दशमलव, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, सब 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 125 बटा में, ये क्या कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 999, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल दिए। आप चाहे तो यहाँ x का मान रख सकते हैं 0 दशमलव 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 बराबर 1 2 5 बटा में 999। इसे दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलने पर इतना मान आया है, ये आपका आंसर हो गया। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाय गाइस।